अस्सलाम वालेकुम, स्पाइसी बाइट्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम रेस्टोरेंट के स्टाइल में स्टर फ्राइड हाका नूडल्स। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम, तो नूडल्स बनाने के लिए देखिए यहाँ मैंने अपने सारे वेजिस को चॉप कर लिया है, यहाँ मैंने अपने मसालों को भी तैयार कर लिया है और मैं आज एग नूडल्स बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ एग को भी इस तरह से भुर्जी बना के रख ली है, इसमें एक दो पिंच सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। और यहाँ मैंने अपने नूडल्स को भी बॉईल करके रख दिया है। यहाँ मैंने आज ऐसे पतला वाला ये नूडल्स लिया है, इसको सिर्फ एक से दो मिनट के लिए आप हाई फ्लेम पर बॉयल करेंगे, ये काफ़ी उतने में ही बॉयल हो जाती है। तो देखिए यहाँ पैन में मैंने एक टेबलस्पून ऑयल लेके इसको हीट कर लिया है। सबसे पहले अनियंस को इसमें ऑयल में फ्राई होने के लिए ऐड करें। अब इसको हल्का सा फ्राई करना है, ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करेंगे। अब इस स्टेज पे ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने 1 टेबलस्पून के करीब लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर दें। अब इस स्टेज पे जब जिंजर गार्लिक हल्का सा ऐसे ब्राउनिश कलर का हो जाए, हमें अपनी सारी वेजीज को इसमें ऐड करना है। अब इन सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस स्टर फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। अब इस स्टेज पे यहाँ मैंने 4 से 5 गार्लिक के क्लोव्स को इस तरह से छोटा छोटा कट कर लिया, इसे भी इसमें ऐड कर दें। अब इस स्टेज पे इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लें। यहाँ मैंने 4 से 5 चिल्ली को ऐसे चॉप कर लिया है, आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप डालें। अराउंड 30 to 60 seconds हाई फ्लेम में स्टर फ्राई करने के बाद इसमें ये 1 टेबलस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दें। अब 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने डार्क सोया सॉस लिया है, आप नॉर्मल सोया सॉस भी ले सकते हैं। यहाँ 2 टीस्पून मैंने रेड चिली सॉस लिया है, इसे भी इसमें ऐड कर दें। अब इस स्टेज पे यहाँ पे मैंने 2 अंडे को इस तरह से भुर्जी बना दी है। आप अगर वेज बनाएंगे तो आप एग वगैरह ना डालें, और आपको अगर चिकन पसंद है तो आप इसमें चिकन भी फ्राई करके ऐड कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे ये जो बॉइल्ड नूडल्स है इसे इसमें ऐड कर दें। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें नूडल्स को, और ये देखिए हमारी स्टर फ्राइड हाका नूडल्स एकदम रेस्टोरेंट के स्टाइल में बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसे प्लेट पे निकाल लेना। तो देखिए हमारी नूडल्स बनकर बिल्कुल तैयार है, देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उससे और कई गुना ज़्यादा यमी भी है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।